The internet is full of bro science, fake knowledge, half information or propaganda. Your quest of reliable, authentic health information ends here. So subscribe this channel and hit the bell icon and you never have to go anywhere else ever again. So continuing from last time, from this part, कि हमने बात कर ली डायबिटीज विशेष साइकिल, हमने बता दिया आपको चार क्यों हो रहा है आपको डायबिटीज, एंड हमने चार स्टेप्स बताए जिससे हम रिवर्स कर सकते हैं डायबिटीज टाइप 2 को. अब उसी चार स्टेप्स को हम एलैबोरेट करेंगे. नंबर वन स्टेप एंड नंबर वन थिंग टू रिवर्स डायबिटीज इज अ लो कार्बोहाइड्रेट डाइट. नाउ व्हाट इज दिस लो कार्बोहाइड्रेट डाइट? से इट इज नोन टू रिड्यूस अमाउंट ऑफ इंसुलिन जो आपकी बॉडी को चाहिए, राइट? तो आपकी बॉडी को इंसुलिन कम बनाना पड़ेगा. बिकॉज ऑफ दिस इंसुलिन की जरूरत ही कम होगी तो इंसुलिन रेजिस्टेंस कम होगा. लो कार्ब डाइट विल रिड्यूस इंसुलिन रेजिस्टेंस. बिग वर्ड, इट्स अ बिग सेंटेंस, अ बिग थिंग, राइट? लो कार्ब डाइट विल रिड्यूस इंसुलिन रेजिस्टेंस, अ बिग थिंग, समझ लो भाई साहब. तो इसके स्टडीज भी हुई है. 2004 में सेकेंड यूनिवर्सिटी ऑफ नेपल्स, उन्होंने स्टडी की कि लो कार्बोहाइड्रेट डाइट जो मेडिटेरियन डाइट करी थी उन्होंने, उसमें बेसिकली ज़्यादातर प्लांट्स एंड सैलड्स ज़्यादा खाए जाते हैं, उसमें उन्होंने देखा कि उसमें सिग्निफिकेंट रेमिशन देखा गया टाइप 2 डायबिटीज़ में, और एक साल के अंदर डायबिटीज़ में 15% पार्टिसिपेंट्स रेमिशन में चले गए, राइट? और 6 साल के अंदर 5% रेमिशन केवल डाइट में हो गए. सो इट्स अ गुड थिंग, 15% रेमिशन और 5%, तो 6 साल के अंदर 5% तक लोग रेमिशन पे थे. 15% रेमिशन, सो दैट्स इज रेमिशन, मतलब बिना दवा के डायबिटीज कंट्रोल 15% की हो गई तो बाकी लोगों की कुछ तो कंट्रोल हुई होगी. इट्स अ बिग थिंग, राइट? सो लो, हम बात कर रहे हैं लो कार्ब डाइट, नॉट लो फैट डाइट. लो फैट डाइट इज नॉट सो मच इफेक्टिव, राइट? लो फैट डाइट को देखोगे तो एक साल के बाद सिर्फ 4% पार्टिसिपेंट लो फैट डाइट पे रेमिशन पे गए थे, और 6 साल के बाद में कोई भी नहीं गया पाया, मतलब रेमिशन नहीं हो कंटिन्यू रहा. तो लो फैट नहीं, लो कार्ब इज बेस्ट हियर, स्टडीज में देखा गया, राइट? सो लो कार्ब डाइट इज गुड देन दिस. और इसकी बहुत सारी सक्सेस स्टोरीज भी हैं, बहुत सारे दुनिया में आपको एविडेंस मिल जाएगा रिसर्च में. द सेकेंड स्टेप हमने बताया था वेरी लो कैलोरी डाइट. वेरी लो कैलोरी डाइट से क्या होता है? वेट लॉस. कैलोरीज आप खाना ही नहीं खा रहे हो ज्यादा, तो वेट लॉस हो रहा है, राइट? दिस वेट लॉस विल ऑल्सो रिड्यूस इंसुलिन रेजिस्टेंस. वेरी लो कैलोरी डाइट विल रिड्यूस इंसुलिन रेजिस्टेंस, लो कार्ब डाइट विल रिड्यूस इंसुलिन रेजिस्टेंस एंड अचीव वेट लॉस ऑल्सो. ये दोनों ही वेट लॉस करेंगे, और डायबिटीज वाले पेशेंट्स को सिग्निफिकेंट डायबिटीज कंट्रोल और उनकी दवाएं कम करने में मदद करेंगे. दिस इज ट्रू, राइट? ना 2011 में इसकी स्टडी हुई थी न्यूकासल यूनिवर्सिटी में, जहां पर उन्होंने मात्र 800 कैलोरीज खिलाई लोगों को. 800 कैलोरीज काफी लो है, वेरी लो है, राइट? उनको खिलाई 8 हफ्ते के लिए, और उन्होंने देखा कि जो 11 पार्टिसिपेंट्स थे, 11 लोग पार्टिसिपेट किए, उसमें से 7 लोग रेमिशन पे चले गए, डायबिटीज रेमिशन पे चले गए. 11 में से 7 लोगों की डायबिटीज कंट्रोल में रिवर्स हो गई जस्ट बाय वेरी लो कार्ब डाइट. नाउ दैट इज अ थोड़ा सा रिस्की होता है डाइट, बिकॉज हम इतनी कम कैलोरीज खा रहे हैं. हमारी नॉर्मल कैलोरीज रिक्वायरमेंट 1,500, 2,000, 2,500 होती है, और हम खा रहे हैं 1,800. तो हमारी बॉडी में जो ऑलरेडी डेफिशिएंसीज हैं वो और ज़्यादा डेफिशिएंट हो जाएंगी. अगर मान लीजिए हम तो कार्बोहाइड्रेट और इंसुलिन की बातचीत आपके लिए मदद करना चाह रहे हैं, लेकिन मान लो कैल्शियम कम है और कम हो जाएगा, खून की कमी और कम हो जाएगा, विटामिन डी कम है, B12 कम है और कम हो जाएगा. सो इसीलिए दिस हैज टू बी डन अंडर अ मेडिकल सुपरविजन, ताकि हमें टेस्ट होते रहें और हम बता सकें कि क्या डेफिशिएंसी है और क्या सप्लीमेंट्स लेने का. ऑल्दो यू आर टेकिंग लेस कैलोरीज बट यू विल टेक सप्लीमेंट्स, ठीक है? सो इसमें क्या किया था उन्होंने, अराउंड 600 कैलोरीज उन्होंने लिया था मील शेक से, और सिर्फ 200 कैलोरीज ली थी वेजिटेबल्स प्लेन, मतलब 1/4, 25% ऑफ द कैलोरीज आर फ्रॉम वेजिटेबल्स. द ह्यूज थिंग, बहुत सारी वेजिटेबल्स खानी होती है, ठीक है? सो इट्स स्टडीज, ऐसी बहुत सारी स्टडीज है जिसमें यह देखा गया है कि अच्छी मात्रा में वेरी लो कैलोरी डाइट
अच्छे से, इज एक्सट्रीम डाइट ऑब्वियसली, और अच्छे से वो वेट लॉस भी करती है और ये भी करती है, बट अंडर सुपरविजन, बिकॉज कई लोगों को उससे साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं, लिवर किडनी पे स्ट्रेन आ सकता है, वाइट जैसा सारा विटामिन एंड मिनरल डेफिशिएंसीज हो सकती है. सो यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट, बट देन देर इज अ वे, राइट? एटलीस्ट 1200 कैलोरीज तो आप खा ही सकते हो, 1500 कैलोरी या 500-600 कैलोरीज तो कम कर ही सकते हो, वॉट एवर इज योर रिक्वायरमेंट, है कि नहीं? सो लो कैलोरी डाइट खाओ, खा सकते हो. फिर इसकी भी कई सारी सक्सेस स्टोरीज हैं, इसके भी कई सारे बेसिक्स हैं, लाइक आई सेड. ठीक, सो ये हुई बात. और थर्ड थिंग है एक्सरसाइज. नाउ एक्सरसाइज अगर आप कमिटेडली करोगे, रेगुलरली करोगे, तो इसमें ये देखा गया है कि कई सारे लोग एक्सरसाइज, मात्र एक्सरसाइज की मदद से भी टाइप 2 डायबिटीज पर विजय प्राप्त कर सकते हैं, रेमिशन पे जा सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं. नाउ एक्सरसाइज कैसे हेल्प करती है? एक्सरसाइज भी इंसुलिन रेजिस्टेंस कम करती है और यहां पर ज्यादा मात्रा में इंसुलिन सेंसिटिविटी बढ़ाती है. सो योर इंसुलिन विल बिकम मोर सेंसिटिव टू योर बॉडीज ग्लूकोज लेवल्स विद एक्सरसाइज. नाउ इफ एक्सरसाइज को आप हेल्दी डाइट के साथ कंबाइन कर दोगे तो डबल इफेक्ट हो जाएगा, आपकी बॉडी का इंसुलिन डिमांड कम हो जाएगी, इंसुलिन सेंसिटिविटी ज्यादा हो जाएगी, दवाइयों की जरूरत कम हो जाएगी और शुगर कंट्रोल हो जाएगी. बट दैट हैज टू बी कंटिन्यूअस. 1 महीना एक्सरसाइज करने में से कुछ नहीं होने वाला. यू हैव टू एक्सरसाइज फॉर योर होल आगे की लाइफ, राइट? एक्सरसाइज इज योर मेडिसिन नाउ, राइट? इसलिए 2 घंटा एक्सरसाइज मत करो, स्टार्ट विथ समथिंग विच यू कैन डू डेली, 10 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा, पास बहुत है, मिनिमम 10 मिनट तो सभी कर सकते. एक्सरसाइज विल कॉज इंसुलिन सेंसिटिविटी इंक्रीज करेगा. और ये बोला जाता है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट, कि स्टडीज में भी ये देखा गया है 2000 कि नंबर 1 थिंग आफ्टर डाइट इज एक्सरसाइज, नॉट मेडिसिन, नो जड़ी बूटी, नो नथिंग. 2015 में भी स्टडी हुई है जिसमें 67% पार्टिसिपेंट्स जिन्होंने एक्सरसाइज से ट्राई किया, उनकी 6 मंथ डाइट एंड एक्सरसाइज प्रोग्राम में 67% लोगों ने डायबिटीज में रिमिशन पा लिया, कंट्रोल कर लिया. 6 महीने के अंदर अंदर 67% डाइट और एक्सरसाइज में काम हो जाएगा, इतने अच्छे चांसेस हैं आपके, राइट? जो ज्यादातर पार्टिसिपेंट, और खासकर न्यूली डायग्नोस्ड है, अगर जल्दी डायग्नोस है तब तो पक्का हो जाएगा विदाउट इवन मेडिसिन. सो डाइट इतनी खतरनाक चीज है, इतनी अच्छी चीज है एक्सरसाइज, रेगुलर एक्सरसाइज. नाउ विच एक्सरसाइज डज नॉट मैटर सो मच, इट्स मैटर्स इज आप एक्सरसाइज करो. समथिंग इज बेटर देन नथिंग, राइट? ऑब्वियसली एक एक्सरसाइज दूसरी एक्सरसाइज से कंपेयर कर सकते हो. HIIT, हाई इंटेंसिटी इंटरवल ट्रेनिंग इज बेटर देन अ प्लेन कार्डियो, ऑब्वियसली, बट समथिंग, प्लेन कार्डियो इज बेटर देन नथिंग, समझ रहे हो? सो यू हैव टू इंक्रीज द इंटेंसिटी ऑफ एक्सरसाइज, जैसे आपकी क्षमता बढ़ती है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. प्रोग्रेसिव इंक्रीज इन, प्रोग्रेसिव ओवरलोड बोलते हैं बॉडी बिल्डिंग में या फिटनेस में. सो यहाँ पे भी आपको प्रोग्रेसिव, ऑब्वियसली आप जब एक्सरसाइज शुरू करोगे 1 महीने के बाद थोड़ा बेटर कर पाओगे, 2 महीने के बाद और बेटर कर पाओगे, राइट? मे बी यू आर टेकिंग राउंड्स ऑफ अ पार्क, पार्क का चक्कर मार रहे हो, एक चक्कर मारने में आज थक जाते हो, 1 महीने बाद 2 मार लोगे, 3 महीने बाद 3 मार लोगे, 4 महीने बाद 4 मार लोगे. दैट्स द थिंग, बढ़ाते जाओ स्लोली, दैट्स द आइडिया. सो ये एक्सरसाइज है, सेम डाइट में होगा. आज आपने 2000 कैलोरी ले रहे हो, आज आप 2500 कैलोरी ले रहे हो, कल आप 2000 कैलोरी ले लो, 1 महीने के बाद 1900 कैलोरी ले लो, 2 महीने के बाद 1800 कैलोरी ले लो, 3 महीने के बाद 1700 कैलोरी ले लो, 4 महीने के बाद 1600 कैलोरी ले लो, 6 महीने के बाद 1500 कैलोरी ले लो. डायबिटीज कंट्रोल विथ एक्सरसाइज एंड दिस ह्यूज थिंग, सिंपल थिंग, ऑल यू नीड इज नॉलेज, बस. चौथी चीज हमने बताई थी, आफ्टर लो कार्ब डाइट, आफ्टर वेरी लो कैलोरी डाइट, एक्सरसाइज, फोर्थ थिंग वॉज सर्जरी. सर्जरी उसको चाहिए जिनको बहुत ही ज्यादा वजन हो चुका है, ओबेसिटी है, मॉर्बिड ओबेसिटी है या ओबेसिटी है. तो इनको इससे क्या देखा गया है, जो लोग बेरियाटिक सर्जरी करा लेते हैं, बेरियाटिक सर्जरी मतलब गैस्ट्रिक बाईपास, पेट काट दिया, उससे क्या होता है, इतना सारी जगह पेट में इतनी सी रह जाती है, तो जो भी आप खाते हो वो सही से पचता ही नहीं है, वो पचेगा ही नहीं तो एब्जॉर्ब ही नहीं होगा, तो जो भी खाया पेट पेट में रहेगा, पेट में थोड़ी सी गड़बड़ी हो सकती है, गुड़ 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 गैस बन सकती है और व्हाटएवर, लेकिन खून में शुगर नहीं जाएगी तो डायबिटीज कम हो जाएगी, वजन कम हो जाएगा,
राइट ऑब्वियसली बेरियाट्रिक सर्जरी के बाद भी आपको डाइट का कुछ ध्यान रखना ही पड़ेगा. ऐसा नहीं है कि बेरियाट्रिक सर्जरी के बाद बर्गर पे बर्गर खा सकते हो, नो नथिंग, ऐसा नहीं. बिस्किट पे बिस्किट, शुगर पे शुगर, ना, उसमें भी ध्यान रखना ही पड़ता है. बट देन इट हेल्प्स टू अचीव इट फास्टर, जल्दी हो सकता है, सिग्निफिकेंट वेट लॉस हो सकता है गैस्ट्रिक बाईपास के बाद में, ज्यादा से और थोड़ा रुक जाएगा. ठीक है, 72%. अब इसमें भी स्टडीज हुई है ऑब्वियसली. 2010 में एक स्टडी हुई थी, 2010, जिसमें यह देखा गया कि जितने भी लोगों की गैस्ट्रिक बाईपास हुई उसमें से 72% लोगों का डायबिटीज रिमिशन में आ गया, आ जाता है, राइट. ये बहुत अच्छी चीज है. और 2013 में स्टडी हुई कि जिन जिन लोगों के डायबिटीज रिमिशन हो गए थे उनमें से 24% 6 साल तक रिमिशन में रहे. नाउ दैट डिपेंड्स अपॉन योर लाइफस्टाइल. अगर आप सही से नहीं जीते रहोगे वापस डायबिटीज हो गए, रिमिशन है ये, राइट. ये रिवर्सल है, गाड़ी फॉरवर्ड भी जा सकती है, लाइक आई सेड, वापस हो सकता है. चाहे कुछ भी करो, चाहे डाइट करो, एक्सरसाइज करो, लो कैलोरी लो कार्ब, कुछ भी करो, सर्जरी करो, इट कैन कम बैक. दैट्स द सेकेंड चांस आपको मिल रहा है भाई. एक्सरसाइज आपको वो करते रहना पड़ेगा, वट एवर यू आर डूइंग, जिससे कंट्रोल हुआ. सो गैस्ट्रिक बाईपास एक्चुअली बस इतना है कि इट इज द मोस्ट इंप्रेसिव लॉन्ग टर्म रिमिशन रेट है उसका, ज्यादा रेट है, 72% रेट. एक्सरसाइज का और डाइट का दोनों मिला के 67% है, तो इसका थोड़ा बेटर है. तो अगर आप मोटे बहुत ज्यादा हो, गैस्ट्रिक बाईपास विल हेल्प यू. ऑब्वियसली उसके सर्जरी का अपने आप में थोड़ा सा रिस्क होता है, थोड़ा लाइफस्टाइल चेंजेस होते हैं, वो आपको समझना पड़ेगा. ऑब्वियसली कॉम्प्लिकेशन के रिस्क सर्जरी के दौरान, सर्जरी के बाद, उसको समझना पड़ेगा. और ये एक परमानेंट प्रोसीजर भी हो सकता है, टेम्पररी प्रोसीजर भी हो सकता है, तो इससे भी आपको अपनी डाइट और लाइफस्टाइल को बदलने की जरूरत पड़ेगी. उसके लिए आपको अपने डॉक्टर से बात करनी है, गैस्ट्रोएंट्रोलॉजिस्ट या गैस्ट्रोसर्जन. ठीक है, ये बेसिक चीजें हैं. गैस्ट्रिक सर्जरी, ऐसा मैंने बताया, स्टमक का साइज छोटा कर देना, उससे आप थोड़ा सा ही खा पाते हो, पेट जल्दी भर जाता है, भूख नहीं लगती है, बहुत सारी चीजें होती. So, ये बेसिक चीज है डायबिटीज टाइप 2 को रिवर्स करने के लिए, राइट. टाइप 1 को रिवर्स करने का अभी कोई और तरीका नहीं आया है, ऑटो इम्यून डिजीज है. इसको रिवर्स करने के लिए बॉडी के इम्यून सिस्टम को रोकना पड़ेगा, इंसुलिन प्रोड्यूसिंग सेल्स को डैमेज करने के लिए, और इंसुलिन प्रोड्यूसिंग सेल्स को और ज्यादा बढ़ाना पड़ेगा. बट देन ये सारी चीजें करने से टाइप 1 वाली डायबिटीज में भी हेल्प होती है, डाइट, एक्सरसाइज और उसमें बाकी. वजन बढ़ाना इज अ बिग थिंग फॉर टाइप 1 डायबिटीज पीपल, तो टाइप 1 डायबिटीज के लिए टाइप 1 डायबिटीज वाला वीडियो हमारा देख सकते हैं. So this is all about it. Make sure to share this video. भैया इतने डिटेल में इतने अच्छे से नहीं समझाया होगा किसी ने, समझाया भी होगा तो भी make sure to share this. Make sure to like it and subscribe the channel. Like करना जरूरी है, because then only it is recommended to other people and more people can be helped. तो आप लोगों की मदद करेंगे तो ही आपकी मदद हो पाएगी. Thank you so much. If you have any questions, please write them down. I will try to answer them.